हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पालमपुर डायरीज़। और आज हम कर रहे हैं अपने रेस्ट हाउस से चेकआउट। तो उसके पहले मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ यहाँ का डाइनिंग हॉल और थोड़ा सा इन एंड अराउंड, और फिर हम निकलते हैं यहाँ से। और हम लोग जा रहे हैं अब टी फैक्ट्री देखने के लिए कि चाय कैसे बनती है। तो ये यहाँ का एक टी बोट है जिस पे हम एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते थे, मगर कोई दिख नहीं रहा है। आई थिंक वीकेंड होने की वजह से ये बंद है। लेट मी चेक। इनका टी फैक्ट्री और टी स्टेट दोनों आसी पास है, तो फैक्ट्री तो बंद है, तो आइए टी स्टेट एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हैं हिमालयन टी स्टेट, और ये हैं चाय के बागान। चाय की पत्तियाँ ऐसी होती हैं, आप सबने शायद देखी ही होंगी। हमने कुछ लोकेल से पता किया तो आगे भी हमें उन्होंने बताया और अच्छे बड़े टी स्टेट मिलेंगे। ये वाला तो बंद था। तो हम जा रहे हैं अभी न्यूगल खर्ड कैफ़े, जो कि पालमपुर में काफ़ी फेमस है, सौरभ वन विहार के एकदम बगल में है, काफ़ी सीनिक लोकेशन है। तो ये हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे क्या है। काफ़ी ग्रीन है और सुंदर है। आइए अंदर चलते हैं। ओके, तो सबसे अमेजिंग चीज़ यहाँ पर एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, जो आ रही है सीधे माउंटेन से। और छोटा सा प्ले एरिया है बच्चों के लिए। तो और पानी को देखते ही क्या हुआ, देखिए मम्मम भी है। कहाँ है कायू? मम्मम, मम्मम है। काई को मम्मम में जाना है। मम्मम है, ये है मम्मम। पानी काफी ठंडा है मगर ये मानने को तैयार नहीं है, तो आइए चलते हैं। मम्मम में जाना है आपको। जाओ। So this is the first time Kai is experiencing a water stream actually, and she's मतलब बहुत ज़्यादा excited। उसे एकदम डर भी नहीं लग रहा है। The water is cold but we are worried। तो उसके dress भी गीला हो रहा है, तो dad is helping her out and now वो और आगे जाना चाहती है। अच्छी बात यह है कि it is not deep at all। भैया खेल रहे हैं मम्मम। Water is crystal clear, sparkling. आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं बेबी को अपने नेचर के पास ला सकूं, और बचपन से ही वो नेचर ने क्या गिफ्ट्स दिए हैं, नेचर कितनी ब्यूटीफुल है, उसे इन्जॉय करे और उसको उतना इन्जॉय करते हुए देख कर रियली फील ऑसम। बस चलो। कम
जा रहे हैं मम्मा पापा, बाय बाय, चलो चलो बाय कर रही है, चलो बाय बाय। नहीं खेलो आप, खेलो अरे भाई साहब, हम यही नहीं खड़े रहेंगे, किसी और को भी देखना है जानवर जानवर। और थोड़े से बादल आ रहे हैं, लगता है बारिश होगी। कहीं चलें? तो काफ़ी खेलने के बाद अब चलते हैं हम कैफ़े के अंदर और कुछ करते हैं पेट पूजा। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत सा व्यू, माउंटेन्स पर बादल हैं, अभी धूप नहीं है वरना हम यहाँ भी बैठ सकते थे, बारिश होने वाली है। जा रहे हैं कैफ़े के अंदर, न्यूगल कैफ़े, हम लोग यहाँ जा रहे हैं लंच करने, है ना। और लंच में हम लोग को देखो कौन बैठा है, उपस ये तो कोई और बैठा है। चलो जी ओपन कीजो, खुला है इधर से। और आ गए हैं हम लोग कैफे में, और अब हम करने जा रहे हैं लंच। और जैसे जैसे काई के कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, वो बहुत टॉकेटिव होती जा रही है, वो अपने आसपास की हर चीज़ को नोटिस करती है और उसके बारे में बात करना पसंद करती है, उसको एक्नॉलेज करती है, दैट्स अ गुड थिंग। और फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद आ गए थे काई के लिए कुछ स्टार्टर्स, जिसको वो बहुत रिलिश कर रही थी और पूरी तरह से इंजॉय कर रही थी अपना टेस्टी खाना। और जब हम कर रहे थे अंदर लंच तो बाहर हो रही थी बारिश और ये पहाड़ बादलों से ढक चुका था। एक छोटा सा पॉटरी शॉप जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो अगर आप आते हैं पालमपुर तो न्यूगल कैफ़े को विज़िट ज़रूर करिएगा, सौरभ वन विहार के जस्ट बगल में। क्योंकि होने लगी है बारिश तो अब हम वन विहार तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पर शेड तो नहीं मिलेगा, तो हम निकल चुके हैं धर्मशाला के लिए और आज हम स्टे करेंगे धर्मशाला में। कन्वेंशन सेंटर है पालमपुर, कन्वेंशन सेंटर है। ये सब चाय के, सो पालमपुर और उसके आसपास बहुत सारे टी स्टेट हैं, काफ़ी प्राइवेट हैं, पब्लिक हैं। तो हम किसी एक अच्छे से टी स्टेट में जहाँ पर फोटोग्राफी भी अच्छी हो सके और चाय भी अच्छी मिल सके वहाँ पर रुकेंगे। तब तक हम तो हमने ये प्लान किया है कि हम कोशिश करेंगे रास्ते में ज़ू होते हुए जाएं, जिससे बच्चे ज़ू एंजॉय कर पाएँ। गोपालपुर ज़ू यहाँ का फेमस है,
कोई भी रोड पकड़ लीजिए, कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। घर बहुत खूबसूरत हैं, खेत बहुत खूबसूरत हैं। और हम रुके हैं एक ब्यूटीफुल से व्यू पॉइंट पर, जो कि एक्चुअली एक रिवर के ऊपर ब्रिज है, और ये पूरी माउंटेन्स रेंज क्लाउड से ढकी हुई, एक साइड में पूरे पाइन ट्रीज, पूरा पाइन फॉरेस्ट है एक्चुअली। और ये वाइट बड़े बड़े रॉक्स देख सकते हैं आप, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। नीचे जाना टफ है, एक्चुअली ट्रिकी है, बच्चों के साथ नॉट पॉसिबल। सो हम यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, एंड नाउ काई इज़ पोजिंग फॉर कैमरा, एंड आवर लिटिल ड्रामा क्वीन हैज़ गॉट हर ओन पोजेस। ऑन द वे टू गोपालपुर जू फ्रॉम सौरभ वन विहार, ये आपको रास्ते में जगह पड़ेगी। सो पालमपुर बेसिकली एक वैली में है, तो हम धर्मशाला जाने के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, और जितना भी स्नोई रीजन्स हैं डलाउजी वगैरह वो और ऊपर जाके मिलते हैं। द रोड विल ऑल बी अपहिल नाउ। और सभी जगह लगभग आपको होटल्स रुकने को मिल जाएंगे माउंटेन्स में, थोड़ी थोड़ी दूर पर काफ़ी होम स्टेज रिजॉर्ट्स होटल्स हमें देखने को मिले। और अब हम गोपालपुर में एंटर कर चुके हैं। गोपालपुर फेमस बेसिकली यहाँ के ज़ू के लिए ही है, तो लेट अस सी। एंड टू अवर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट ज़ू भी आज बंद था, तो हम अंदर नहीं जा पाए। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था बाहर से, तो आई थिंक बहुत अच्छा होगा। और अब हम यहाँ रुके हैं, एक टी स्टेट है जो ऑन द वे टू धर्मशाला ही था, और कन्वीनियंट एक्सेस था इसका टी स्टेट में, तो काफ़ी ब्यूटीफुल माउंटेन्स आप देख सकते हैं, दिख रहे हैं, कहीं कहीं पर स्नो भी दिख रही है। तो ये है टी शॉप जिसमें सब फ्लेवर्स की लोकल टी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्राइसेस थोड़े से हाई लगे मुझे इन कंपैरिजन टू द मार्केट, बट ऑब्वियसली इट्स बिकॉज यू आर इन द माउंटेन्स, सो इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द टी गार्डन नाउ। ये खूबसूरत चाय के बागान हैं जहाँ से चाय पत्ती प्लक की जाती है, और फिर हमारे कपों में जो चाय आती है काफ़ी कुछ यहीं से। पालमपुर का टी स्टेट नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा टी स्टेट कहा जाता है, एंड इट्स वाइड स्प्रेड एंड वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक इट्स द फ्लावरिंग सीजन ऑफ टी प्लांट्स, तो ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी मैंने पहली बार देखे हैं एक्चुअली। तो सारे प्लांट्स में फ्लावर्स फ्रूट्स लग गए हैं। और ये है पालमपुर का टी स्टेट। और रीसेंट में काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है, तो इट्स अ हिट स्पॉट ऑब्वियसली।
चल पापा को पकड़ लो, चल पापा को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो पकड़ो। तो अपहिल स्लोप्स में काई का वॉक करने का पहला एक्सपीरियंस है और उसके लिए थोड़ा सा टफ भी हो रहा है। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा हमारा ये व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।